एक गलती काम ही कर दिया हाँ। मेरा पोता को मेरी बहू को बहुत डांट लगी है मुझे हाँ। लेकिन ये बहुत गलती काम किया है। उधर है जी वो नारियल का पेड़, लगता है कि कितना पीढ़ी उसे नारियल खाया होगा मामा जी। सौभाग्य है जी हमारा कि मामा मामी हैं जिनकी वजह से जो है हमारा नानी घर अभी तक छूटा हुआ नहीं है, कभी भी छूटेगा। पापा का नाम पापा छी हमर की नाम छी पापा। तो फाइनली जी हम पहुंच गए हैं यहाँ पर, लेकिन जिया जो है साथ में आ नहीं पाई और क्रियांश को भी नहीं लाए क्योंकि क्रियांश की थोड़ी सी तबीयत हो गई थी खराब। तो क्रियांश को लेकर के जो है ट्रेवल करना मुझे सही नहीं लगा ऐसे समय में कि जगह जगह जाएगा, जगह जगह का पानी चेंज होगा, तो उसके लिए सही नहीं रहेगा। या हम आ गए हैं और वैसे भी मेरी मम्मी जो है उसका कुछ मन्नत है, जो भी सहरसा के आसपास के होंगे उनको जो है सिंहेश्वर स्थान के बारे में जरूर पता होगा। तो वह जो है कुछ ही किलोमीटर दूर पर है, तो जब सिंहेश्वर स्थान मम्मी आएगी तब उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर फिर से आएंगे नानी घर। उस समय जो है जिया भी आएगी और क्रियांश भी आएगा, अपने परनानी घर जो है वह पहुंच जाएगा। परनानी घर ही बोलेंगे, हम लोग का नानी घर हुआ उसका बोलेंगे परनानी घर। तो अभी जी यहाँ से हम चल रहे हैं अपने गांव, अभी हम फिलहाल हैं अपनी मौसी के यहाँ और हमारी जो मौसी है उसका घर है मुश्किल से हमारे नानी गांव से 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पर है, तो हम यहीं पर रुके हुए हैं। तो मामा मामी है उन्हीं की वजह से आना जाना लगा रहता है, तो चलते हैं। लेकिन आपको हम अपना नानी घर जो भी है वो हम आपको जरूर दिखा देंगे। और मेरा जो है वहाँ से भावना कुछ थोड़ा अधिक जुड़ा हुआ है, वह क्यों है वह तो शायद आप लोग को अंदाजा होगा, लेकिन इसके बारे में जो है विस्तार से आगे थोड़ा बात करेंगे, फिलहाल चलते हैं। तो जी यहाँ पर आंटी आ गई है, सोचा कि आंटी से भी जो है आपको एक बार मुलाकात करा दे इससे पहले कि हम नानी घर निकले। और आंटी यहाँ पर आई हुई थी फूल सब तोड़ने के लिए। और आंटी के घर के पास से जो नजारा है जी पूछिए मत, पीछे देख सकते हैं एक खूबसूरत सा तालाब है जहाँ पर मछली पालन सब भी होता है। तो आंटी निकलते हैं अपने नानी घर। हाँ नानी के घर तो तुम अभी बोला है, तो कल हमको कहा जो आंटी हम कल अपने घर जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा तो जन्म हुआ कटिहार में, लालन पालन तो सब यही हुआ है, बचपन से 6 से 7 साल में यही रहे। तो तुम्हारा तो अपना घर यही है, जितना तुमको सिसवा से लगौने हैं उतना तुमको ब्राह्मण टोली। सिसवा मेरा दादी घर है जी। हाँ दादी घर है, लेकिन कभी गया नहीं ना, तुम सब दिन ब्राह्मण टोली में, इसलिए ज्यादा लगाव जो है मेरा नानी घर। अगर हम जानते हैं कि गांव, तो गांव का परिभाषा जो है वो अपने नानी घर से ही जाने हैं कि गांव ऐसा होता है या हमारा गांव है, क्योंकि बचपन मेरा यहीं पर बीता हुआ है। एक गलती काम ही कर दिया हाँ। मेरा पोता को मेरी बहू को बहुत डांट लगी है मुझे, बहुत डांट लगी। हम चले गए थे मंदिर के पास पोता को रिसीव करने के लिए, देखे तो गाड़ी खाली है, इसको पूछे रे मेरा पोता कहाँ है, डर से कुछ नहीं बोला, लेकिन बहुत गलती काम किया है। ठीक है जी, तो अब ऐसा करते हैं चलते हैं। और जो तुम्हारा पोता के बात रहा, पोता भी जरूर आएगा, सिंहेश्वर स्थान आना है ही दीदी को, तो पास में ही है, तो हम लोग उस समय आएंगे और पोता को लेते आएंगे। अब देखते हैं जो बगल में आकर के नहीं आया तो सिंहेश्वर तो उसे नहीं नहीं बिल्कुल आएगा। और सिंहेश्वर स्थान हम लोग यही सोच करके आएंगे कि एक बार तुम्हारे घर भी आना है। चलो चलो ओके, बहुत बहुत धन्यवाद जियो मेरे लाल, हजारों साल जियो, तुम्हारा हर मनोकामना भोला बाबा पूरा करेंगे, क्योंकि हम भोला बाबा के भक्त हैं, भोला बाबा के भक्त कभी खाली नहीं जाते हैं। चलो ठीक है, तुमको हम बेटा के तरह पाले, दूध भी तुमको पिलाए, तुम मेरा ओरिजिनल बेटा है। बिल्कुल माँ के तौर पर हम इन्हीं को जानते हैं अभी। यहाँ मेरा गाड़ी लगा हुआ है और ठीक अंदर जो है आंटी का गाड़ी लगा हुआ है। और जब हम फोर व्हीलर देखे थे तो सबसे पहले आंटी को ही लेते देखे थे। कब ली थी आंटी हमको ध्यान में? हमको 12-13 साल हो गया तो जितना हमको अब तुम्हारे अंकल को तो वर्षा के पापा को बहुत शौक था जो हमको फोर व्हीलर हो। अच्छा। लेकिन उनका सपना तो नहीं पूरा हो सका क्योंकि वो समय से पहले ही चले गए, नहीं रहे हम लोग के बीच में। लेकिन जिस दिन हम पूर्णिया में गाड़ी में दस्तखत कर रहे थे ओनर बुक पर, उस दिन हमको वो दिन आ गया, इतना हम रोए, हमको कह रहा था वहाँ जितना मैडम खुशी का दिन है, आप 15 लाख का गाड़ी ले रहे हैं, रो रहे हैं, हकीकत में इसलिए रो रहे हैं कि ओनर कोई दूसरा रहता, हमारे हस्बैंड अनिल कुमार मुन्ना रहता, लेकिन वो नहीं है, इसलिए आभा सिंह को ओनर बनना पड़ा, यही दुख है। सही बात है जी। तो यहाँ जी हमें पोखर के पास, आंटी या तो अपना ही पोखर है? हाँ अपना ही पोखर है, बहुत तुम्हारे जो अंकल छोटा थे ना, मतलब मोसा, तो वो रो रहे थे जो हमको पोखर दीजिए, तो पापा मेरे मुखिया जी ससुर जो थे रामेश्वर प्रसाद सिंह, वो उनको पोखर खरीद दिए। अच्छा, इतना दुलारू बेटा थे, हम पोखरे को खरीदेंगे, पोखरे खरीदेंगे, मतलब सजीवा पोखर जैसे सबका हिस्सेदार का है, वो तो आगे में पोखर है जिसमें सबका है, लेकिन ये उनको अलग से गिफ्ट में पापा दिए उनके। अच्छा तुम रोना नहीं, तुमको हम पोखर खरीद दिए, काहे बड़ा मछली लेने के लिए वो चाह रहे थे। अच्छा। तो हिस्सेदार सब था तो सब कहा जो तू ही बड़ा मछली काहे लेगा, वो ये सोच लिए मन में जो हमको अपना पोखर होगा तो जो मन होगा वो मछली, मछली रहेगा, इसलिए उनको वे खरीद दिए। वहाँ पर जो एक मशीन भी दिख रहा है,
क्या है वो मशीन इसलिए है हाँ हाँ। जो मछली को भगाने के लिए हाँ। जाल फेंका जाता है। अच्छा तो नाभी को हर हमेशा मिलता नहीं है, इसलिए वो मशीन जो चलता है तो रिफाइन करता है, पानी को भगाता है तो मछली भागता है, भागते रहता है मछली, बढ़ता है मछली, ग्रोथ होता है। अच्छा इसी के लिए वो है। ठीक है आंटी तब चलते हम। हाँ चलो जाओ नानी के घर देख के आना, सबसे मुलाकात कर लेना, मामी है नानी है बहुत सारे मामा मिलेंगे तुमको। कितना साल के बाजार है ब्राह्मण टोली? लगभग लगता है कि जो बड़की नानी के श्राद्ध में आए थे 5 साल पहले आए थे। हाँ तो और उससे वो भी प्रॉपर घूम नहीं पाए थे। अगर उसको साल तुम आया ना हाँ। साल पहले तो तुम रात भर वहाँ रहा, सुबह चला गया, चले गए तो कहो तुम पूरा गांव घूम ले, पूरा घूमेंगे तो ओरिजिनल गांव है। तो उस तरह से जो है लगभग 10-12 साल कह सकते हैं कि हो गया है, बचपन याद आ जाएगा, एक बार जरूर घूम लेना। तो फाइनली जी गाड़ी में बैठ गए हैं और हम जो है निकल गए, अभी बीच रास्ते में रुके हुए हैं। यहाँ पर ब्लॉक है नवट्टा ब्लॉक, यहीं पर मेरी मौसी जो है प्रमुख थी, यहीं पर उनका ऑफिस था। काफी अच्छा लग रहा है जी, पुरानी यादें ताजा हो रही है। यहाँ ब्लॉक सामने खेत सारा सीन बचपन का मुझे याद आ रहा है। तो अब चलते हैं जी आगे, कुछ ही देर में अब जब गांव भी पहुंच जाएंगे और अपने सभी गांव वालों से वहां पर मुलाकात करेंगे। अभी जो यहाँ पर बस्ती देख रहे हैं आसपास बसा हुआ, यहाँ कोई भी बस्ती नहीं था, एक भी घर नहीं था पहले। अब यहाँ देख रहे हैं बहुत सारा घर जो है यहाँ पर बस चुका है, पहले यह बिल्कुल खाली हुआ करता था, इसके पीछे एकदम खाली सा मैदान था। तो यहाँ बदलाव आ चुका है पिछले 10-12 साल में। तो हम पहुंच गए थे अपने नानी गांव, गाड़ी को तो लगा दिया है पार्क में, एक हमारे मामा जी हैं उनके यहाँ, वहाँ पर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, ध्यान नहीं रहा। अब बाहर निकले तो अब रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया है, लेकिन जब जाएंगे तो उनसे मिलाते हुए ही आपको जाएंगे। तो अभी हम आए हुए हैं जी अपने मामा जी के यहाँ। इस गांव में हमारे एक मामा नहीं अनेकों मामा हैं, उन्हीं में से एक मामा जी के पास आए हुए हैं और कह सकते हैं कि सबसे जो करीबी है वो यही है वीरेंद्र मामा जी। और माँ जो है कभी भी इनको अपने भाई से कम कभी नहीं समझी, लेकिन इस मामा की शिकायत है माँ से, तो आप बताइए क्या शिकायत है आपकी? हमारा शिकायत यही है जो बहन को हम जाके कहे ना अल्टा में बहन के यहाँ उसी के यहाँ जो मेरे यहाँ। अच्छा हमने कहा था तुम नलिन ठाकुर दुनिया ठाकुर मेरे यहाँ। अच्छा वीरेंद्र ठाकुर के यहाँ तुम आओ। अच्छा। हमारा यही कहना हमसे है। अच्छा ठीक है चलिए, तो उम्मीद करते हैं जी माँ जो है इनकी बात को समझेगी क्या, समझी हुई है ही। हम लोग एक बार सिंहेश्वर स्थान आएंगे मामा, सिंहेश्वर स्थान आएंगे तो यहाँ भी जरूर आएंगे। सिंहेश्वर आओगे तो हमको ही बुलाओगे? हाँ हाँ बिल्कुल, और अपने पोता से भी मिल लीजिएगा, पोता को भी लेते आएंगे, को भी लेते आना, सबको लेते आओ। ठीक है ठीक है। तो मिली हमारी भतीजी साहब से। हाँ क्या नाम हुआ तुम्हारा, क्या नाम? नाम बताओ ताकि हम आ जाओ। यहाँ यहाँ आ जाओ, इधर आ जाओ। अच्छा भोला तुम्हारा नाम है, स्कूल का नाम है मानव कुमार। अच्छा पापा का नाम क्या है? हाँ पापा का नाम पापा है। आ जाओ नजदीक, आ जाओ नजदीक, आ जाओ नजदीक। पापा की नाम छी, नीक लगे पापा का नाम पापा छी। हमर की नाम छी अभी आ गए हैं जी एक और मामा जी के घर, और साथ में हमारे भाई सब मौजूद हैं, या तो हमारा जोड़ीदार ही हुआ अंकुश, साथ में क्रिकेट सब खेलते थे, ध्यान होगा। अब यह भी शादी शुदा हो गया है हमारी तरह, और वो है रवि कर, उसको हम देखे हुए थे, जितना बड़ा भी अंकुश का बेटा है जो आपने कुछ देर पहले देखा, 3 साल का जो बच्चा है, उतने ही एज में उसको देखे थे, और अचानक से देख रहे हैं अब यह बच्चा जो है बड़ा हो गया है, काफी अच्छा लगा जी। एक बार हमें ध्यान है कि यह जो आंगन है, ये जो खाली स्पेस है, यहाँ भी क्रिकेट खेलते थे हम लोग, हम भी दूसरे घर सब यार है ना। तो मिलिए हमारे एक और मामा जी से, जब हम यहाँ आए हुए थे तो मम्मी कही थी कि एक बार वहाँ जाना अगर नानी गाँव, तो जोगिंदर मामू से जरूर मिलना, यही मन्नत मांगे थे। मेरी माँ को लगभग 8 साल तक जो है कोई भी चाइल्ड नहीं हो रहा था, कोई भी बच्चा नहीं हो रहा था, तो बाबा धाम जा करके यही मन्नत मांगे थे, तो आज हम आप लोगों के सामने हैं। बहुत लोगों से जी मिल लिया, लेकिन अभी भी मिलने का सिलसिला जो है कम नहीं हुआ है। मिलना तो जी पूरे मन तो करता है, पूरे गाँव में जितने भी लोग हैं सभी से मिल लें, लेकिन हाथ में समय थोड़ा कम है, तो जितनों से मुलाकात हो सके का उतना करेंगे। अभी जा रहे हैं, एक नानी है, हम लोग बोलते थे कोयटा वाली नानी, तो उनके पास जा रहे हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। नानी चिल्ला सोनू क्या? हाँ। सोनू नीरज के बेटा चिल्ला हमारा नीरज तो नानी ने चिन्ह के बताया था। सोनू नीरज दीदी के बेटा बैठे जी बैठे जी, पहला अगले नानी ने चिल्ला। अच्छा अच्छा वह नानी के फोटो भी
फोटो जाए। तो अभी हम आए हुए हैं जी अपनी नानी के यहाँ, यह है कोटा वाली नानी। हमारे यहाँ पर बहुत सारी नानी है, तो काफी अच्छा लगा नानी से मुलाकात करके। यह हमारी मामी जी है और हमारा जो नानी घर है ठीक यहाँ जो घर है ना इसके उलट साइड, ठीक वो नानी घर है और यहाँ से एक रास्ता हुआ करता था यहाँ आने का। नहीं गए नानी अबे होते हम सब और पीछू में लताम गाछ कट गए तो हम लोग अमरूद खाते थे बड़ा वहाँ, लताम मतलब जी अमरूद, हम लोग अमरूद सब खूब खाते थे। तो वहाँ नानी से मुलाकात हो गई जी, नानी तो बहुत ज्यादा भावुक हो गई देख करके कि इतने दिन बाद आया, इतने साल बाद आया हुआ, इतना देखे हुए है और उनका उम्र भी है जी। तो मैं भी थोड़ा भावुक हो गया वहाँ पर, लेकिन कुछ रिकॉर्ड नहीं किया ऐसा हमने। अब जी वहाँ से निकल करके आ गए हैं बाकी सभी से मिलने के लिए। तो पीछे तो घर देख रहे हैं, यहाँ भी हमारे एक मामा का घर है और हमारे जो अपने मामा हुए उनका घर हुआ ये। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ जो रिश्ता है अभी भी मामा मामी की वजह से जो है मेरा नानी घर से अभी तक जुड़ा हुआ है। वरना कई सारे दुर्भाग्यशाली लोग होते हैं कि नाना नानी जैसे चले जाते हैं मामा मामी से सारा संपर्क खत्म हो जाता है, उनका नानी घर से सारा रिश्ता खत्म हो जाता है। मैं इस मामले में अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। मेरा बचपन से जो 7 साल है वो यहीं पर बीता हुआ है, इसी माटी में बीता हुआ है, तो यहाँ से मेरा एक अलग ही भावना जुड़ा हुआ है। यही था जी और गाँव का आपको एक थोड़ा सा नजारा दिखा देता हूँ यहाँ से। और यहाँ से मैं जाता हूँ अपने पुल के पास, गाँव का जितना एक एक कोना कोना होगा मैं वहाँ पर जाऊँगा, बचपन की यादें मैं ताजा करना चाहता हूँ। क्या पता कब मौका मिले और कब नहीं मिले, तो इसीलिए यहाँ आए हैं। तो एक बार सबसे मुलाकात कर लेते हैं, मिल लेते हैं। चिल्ला अभी हम आए हुए हैं जी अपने एक और मामा जी के यहाँ। वह मामा जी तो अभी नहीं है, उनका स्वर्गवास हो गया। और उनका जो बेटा हुआ रोशन भैया, यहाँ भी आया करते थे हम बचपन में लगातार। तो रोशन भैया भी शादीशुदा हो गए हैं, बाल बच्चेदार हो गए हैं। आपका छोटा भाई हो गया तो बताइए बड़ा भाई क्यों नहीं रहेगा। और मालूम चला क्या कि जो हमारी भाभी हुई रोशन भैया की वाइफ पहले से हमें जानती है। तो रोशन भैया को आश्चर्य किया आखिर ऐसा कैसे हो गया, हमें भी आश्चर्य किया आखिर ऐसा कैसे है। तो बताए कि इनका वीडियो हम देखते हैं कुछ है ना जिया शास्त्र राय करके, हाँ हाँ जिया शास्त्र राय यूट्यूब चैनल है, मतलब सब्सक्राइबर है भाभी जी हमारी पहले से। तो हमारी भाभी जी शर्मा के जो है उधर चली गई है। तो हमारा चैनल खोल के दिखा रही है भाभी जी, दिखा दीजिए। तो हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब की हुई है, ये देखिए हमारा चैनल खोल करके भाभी जी ला दी है सामने और एक ब्लॉग यहाँ सामने चल रहा है। धन्यवाद भाभी सब्सक्राइब करने के लिए। अच्छा भी है बचपन के 6-7 साल देते हमारे गुजरल छे, अखनो भावना जुड़ल छे हमारे तरह से। कहलिए कहलिए कि एक बार नानी गाम देख ले छी हमार से। हां भले 20 मिनट्स लेटर अब हम आ गए हैं जी उस पोखर के पास जो कि हमारा नानी घर हुआ, वहां से बिल्कुल करीब है, मुश्किल से 20 कदम होगा। काफी अच्छा लग रहा है जी, बचपन की सारी यादें ताजा हो रही है, एक एक सीन दोबारा आ रहा है मेरे जहन में। ध्यान है यहाँ आया करते थे, नहाते थे, खूब मस्ती करते थे। वहां जो घर सारा देख रहे हैं आप, सारा वो इंदिरा आवास वाला घर सब है। तो वहाँ पर जो भी सोसाइटी में जो भी कॉलोनी में काम सब करते थे, जो भी कारीगर सब रहते थे, उनका घर जो है वहीं पर आवास है, तो वहाँ भी जाकर के मिला करते थे। सियाराम मामू थे जो हमारे घर में आकर के काम करते थे और वो मामा जी का ध्यान है हमें। जब भी मिलते थे वो 2 रुपया का आता था ना पार्ले जी बिस्किट, वो जरूर खिलाते थे हमें। क्या कहे जी, एक भावना जुड़ी हुई है यहाँ से। मन तो कर रहा था कि सियाराम मामू से भी मुलाकात करें, लेकिन फिर अचानक से ध्यान आया कि सियाराम मामू जो है अब इस दुनिया में है नहीं, उनका परिवार पता नहीं यहाँ पर है या नहीं, क्या है पता नहीं। तो अगर होंगे कोई भी तो अगर मुलाकात हो जाएगा तो अच्छी बात रहेगी, यहीं से उनको याद कर लेते हैं। यहाँ जो इलाका है जी यहाँ पर पूरा आपको पानी भरा हुआ मिलेगा, पीछे है पोखर और इसके पीछे जो है देख सकते हैं पूरा पानी यहाँ पर मिलेगा। और कभी कभी ऐसा समय आ जाता है जब बहुत ज्यादा बाढ़ आती है तो यहाँ सा पानी जो है रोड के ऊपर तक आ जाता है। तो यहाँ से हम चल रहे हैं जी अब एक पुल के पास, उस पुल के पास याद है हम लोग खेला करते थे बहुत, और अब तो यहाँ पर पीच रोड बन चुका है, लेकिन उस समय जो है पूरा मिट्टी सब हुआ करता था। पहले यहाँ पर पूरा मिट्टी सब हुआ करता था और सभी के बाथरूम करने का यह एरिया था वो साइड, एकदम सुबह सुबह यहाँ पर बाथरूम सभी क्या करते थे आप। तो चलिए सभी को अपना अपना बाथरूम हो गया है तो अब यहाँ पर अब नहीं दिख रहा है उस तरह से कुछ भी माहौल। तो एक बार मैं आपको यहाँ से नजारा दिखा देता हूँ, पूरा आपको यहाँ से जो है ना पानी पानी दिखेगा, पूरा पानी पानी दिखेगा ये चीज। और वहाँ पर एक स्कूल है, मैं जूम करके दिखा देता हूँ, वह हमारे गाँव का स्कूल है और वहीं पर एक पोखर है, उस पोखर को बोला जाता था भैया पोखर। तो जी हम आगे उसी पुल पर जहाँ पर हम जो है बचपन में आया करते थे और यहाँ से जो है पूरा नजारे का आनंद लिया करते थे। और यहाँ पर भी अभी बच्चे सब मौजूद है, उसमें भी सभी लोग यहाँ पर नहाया करते थे। सब नंगा है तुम लोग आ रहे हैं वीडियो में। सब कूद गया तुम, ओए होए होए सब एक पर एक गोताखोर है, ओहो गजब गजब। यहाँ देख सकते हैं जी कितना तेज रेत चल रहा है और सभी लोग क्या मस्त एकदम एक्सपर्ट है। उम्र कितना होगा सभी का, 6-7 साल 8 साल,
लेकिन सभी गोताखोर है एक पर एक। जबरदस्त। तो ये सभी बच्चे सब अपना कर्तव्य दिखा रहे हैं। तो यहाँ बच्चे सब दिखा रहे हैं जी अपना कर्तव्य। मुश्किल से जी इनका उम्र होगा 6 साल 7 साल 8 साल, इसी सब उम्र के बच्चे होंगे। और इसी समय से देख सकते हैं पूरा एकदम बेखौफ है, तैरने में एक्सपर्ट है। सभी को यहाँ पर उनका वीडियो दिखाया कि किस तरह का वीडियो आया हुआ है। तो स्लो मो में लिया था तो कह रहे वाह कितना धीरे धीरे हम लोग जा रहे, कितना स्थिर से रहे हम लोग। तो उनको शायद स्लो मो के बारे में पता नहीं है, तो कह रहे एक बार और लीजिए। तो ले लेते हैं। तैयार है तुम लोग? रुक जाओ एक बार। काफी अच्छा लगा जी यहाँ पर बच्चे सबसे बात करके। मस्त बच्चे सब थे, उनको जब पता चल गया कि हम वीडियो बना रहे हैं तो और भी तरह तरह का कर्तव्य सब दिखाने लग गए। तो इन्होंने काफी अच्छे से इंटरटेन कर दिया है। हम यहाँ पर आए हुए थे 13 साल पहले और 13 साल बाद आज हम यहाँ पर आए हुए हैं। और 13 साल में जो है गाँव पूरा बदल चुका है। आजकल इतना जल्दी जल्दी विकास हो रहा है तो ऐसे में तो जी गाँव तो बदलेगा ही है। हम तो आए हैं 12-13 साल में तो बहुत ज्यादा बदल ही जाता है कोई भी क्षेत्र। कल तो परिवर्तन 2-3 साल में ही लगभग आ जाता है। और यहाँ देख रहे हैं लेकिन यहाँ जो पानी सब भरा पड़ा था और अभी कैसे ही भरा पड़ा हुआ है। बात यह क्षेत्र भी है पूरा पानी से मतलब घिरा हुआ। और एक बार यहाँ पर जो है बांध टूट गया था 1984 में, तो पूरा गांव डूब चुका था उस समय। तो बहुत ही प्रलय आ गया था। नाना जी सब बता रहे थे कि जब उस समय बांध टूट गया था इतनी ज्यादा आर्थिक तंगी आ गई थी उस समय, क्योंकि जो भी इनकम था वह खेती पर निर्भर था। और जब खेती ही नहीं होगा क्योंकि वह खेत पानी में डूबा हुआ था तो कितनी आर्थिक तंगी होगी आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। मम्मी सब भी बताती है आज भी उस पल को याद करके जो है वहाँ भावुक हो जाती है। तो इधर हम घूमने आए हुए थे जी और इधर अंकुश हमको मिल गया है। चल अंकुश अब हम निकलबो। तो मामू चिल रहा कैसी है? बढ़िया बढ़िया। हाँ हाँ पूजी लेके देख लिए मामू काम करे से कंटा रिकॉर्ड कर लिया। तो मामू का मखान का काम है। तो मामू क्या हो रहा है यहाँ पर? मखाना तोल हो रहा है अभी। अच्छा फिर ये कहाँ जाएगा? दरभंगा जाएगा यहाँ से। अच्छा कैसे किलो भी बिक रहा है? हाँ 35 टका किलो। 35 टका किलो। अच्छा अच्छा मखाना क्या रेट है? लावा। हाँ लावा 300-400 है। वही हम लोग पैकेट में बताइए 800 रुपया खरीदते हैं मार्केट में। 250 का दे देंगे लावा। बात कीजिए। हाँ हम होलसेलर ने हैं। होलसेलर 250 का दे देंगे। तो मिल लिया जी एक और मामा जी से, कैलाश मामा, जिनका ढेरों कारोबार है। एक उसमें से मखान का कारोबार है। तो उनसे भी अच्छा लगा मुलाकात करके। पहले इनका एक किराना दुकान हुआ करता था। जो भी हम लोग के घर का राशन हो, जो भी जरूरत का सामान हो, बच्चों का जो भी टॉफी चॉकलेट जो भी किराना दुकान में मिलता है जी, वहाँ सब इन्हीं के यहाँ से लिया करते थे। अभी उन्हीं के दुकान के ठीक सामने दिखाते हैं। तो यही है जी कैलाश मामा का दुकान जो कि अभी बंद है। अब लगता है कि यहाँ शायद गोडाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पर मामी जो है कुछ बना रही। एक मामी के पास आकर के बैठे हुए हैं। की बनवे छ मामी? दौरी। वाह देखवा एक बार कितना पूरा भेल से। अच्छा वाह ये देखिए जी, इसको कहते हैं कला। बहुत सुंदर एकदम ठोस दौरी एकदम मजबूत। ये कथी से बने छे? ये किसी है खर ऊपर से लगवे छी डोरी। तो अपनी मौसी के यहाँ से जी हम आ गए हैं अपने नानी घर। और जैसा कि बताया था कि आपको अपने नानी घर का टूर कराएंगे। तो यहाँ हमारे मामा जी और यहाँ हमारी है मामी जी और यही है हमारा नानी घर। और यहाँ तो आप पक्का का मकान दिख रहे हैं। जब मेरा बचपन यहाँ पर था समय खपरा था फूस था। ये आपको दिखाते हैं यहाँ रहा जी हमारा नानी घर और यहाँ मामा मामी है। और यहाँ जो आम का पेड़ देख रहे हैं, इस पेड़ से ना जाने कितना आम खाए होंगे हम लोग। और उधर है जी वो नारियल का पेड़, लगता है कि कितना पीढ़ी उसे नारियल खाया होगा मामा जी। उधर है बाथरूम, इधर ये नहाने का देख सकते हैं। इतना अच्छा स्पेस है नहाने का घर, इससे बड़ा बाथरूम शायद मामा जी हम नहीं देखे। यहाँ रहा जी घर। तो काफी अच्छा लगा जी अपने नानी घर आकर के। सौभाग्य है जी हमारा कि मामा मामी हैं जिनकी वजह से जो है हमारा नानी घर अभी तक छूटा हुआ नहीं है। कभी भी छूटेगा। भावना मेरा बहुत यहाँ से जुड़ा हुआ है। बचपन से 7 साल तक जो मेरा पालन पोषण हुआ है वो यहीं पर हुआ है। हम दुनिया हम यहीं से देखे हैं, दुनिया किसे कहते हैं सब कुछ। और गाँव का कोई परिभाषा जानते हैं तो हम जानते हैं कि यही गाँव होता है और ऐसा कुछ होता है। इसके बाद ही कुछ भी हम देखे हुए हैं। तो काफी अच्छा लगा मामा जी, कुछ आप संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल खूब खुश रहिए और आप अपने क्षेत्र में अनंत समय तक अगर आगे बढ़ते रहिए। अच्छा तो आप भी ब्लॉग देखते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं देखेंगे। चलिए काफी अच्छा लगा। तो जी यहाँ से निकल ही रहे थे, हमारे एक और मामा जी यहाँ पर मिल गए जिनको कुछ देर पहले दिखाया था जो मखान का कर रहे थे काम। और यहाँ जो हमारे मामा जी जो है अपने मामा से कतई कम नहीं है जी, वैसा ही रिश्ता है जैसा अपने मामा जी से है।